YouTube, वेलकम बैक टू माई चैनल लोकी एंड डाना। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज का व्लॉग बहुत दिनों के बाद आया है, लेकिन बहुत ही स्पेशल व्लॉग है। बहुत ही स्पेशल टाइम है हमारी लाइफ का ये, इसलिए हम कहीं बाहर जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पे। तो ये जो स्पेशल चीज है ना, ये आपको वहाँ पहुँच के बताएंगे, ये आपके लिए सरप्राइज है। तो इसके लिए प्लीज पूरा व्लॉग हमारा देखिएगा, हमारे साथ बने रहिए। और जो हमारा ट्रिप है, ये लगभग 3 रात का ट्रिप है, हमारे बैंगलोर के आसपास का ट्रिप है। बाकी जो डिटेल्स हैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाएंगे। पहले आपको दिखाती हूँ हमने क्या तैयारी की है वहाँ जाने के लिए और हमारे साथ कौन कौन जा रहा है। सो ऑब्वियसली मैं और लोकी तो जा रहे हैं, और आपको पीछे थर्ड पार्टी दिख रहा है, इसके लिए सरप्राइज है ये। सो एक्चुअली ये 2 साल पहले बाहर गई थी वहाँ से इस ट्रिप पे, उसके बाद कोविड आ गया, हम कहीं बाहर नहीं जा पाए। तो हमने सोचा इस बार का ट्रिप है हम तीनों एक साथ मनाते हैं कोविड में विद सोशल डिस्टेंस। सो लेट्स सी हमने आज क्या तैयारी की है बाहर जाने के लिए, हमने क्या क्या पैक किया है। तो आइए दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे आप लोगों को पता है वर्क फ्रॉम होम तो चल ही रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम जहाँ पे भी जाएंगे वर्क फ्रॉम होम तो करना पड़ेगा। तो उसकी पैकिंग हमने यहाँ कर दी। उसके आगे हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हमें खुद ही खाना पकाना है, क्लीनिंग करना है, सब कुछ हमें करना है। तो मैंने अपना पूरा घर जितना हो सकता मैंने पैक कर लिया है। इसके अंदर जो भी खाने का है, बेवरेजेस है, जो ठंडा हमें रखना है, हमने वो उसके अंदर रख दिया है। हमने आइस भी लगा दिया है, इसके अंदर कोक वगैरह भी रख दिया है, तो ये प्रिजर्व है। फिर खाने के ऑब्वियसली हमने क्या किया है, ऑयल ले लिया थोड़ा बॉटल, और हमने सारे जो मसाले हैं ना हमने ऐसे ऐसे पाउचेस में ना पैक करके रखा है, आप देख सकते हो ये। तो इससे क्या होता है ना, हम लिमिटेड चीज़ें लेके जाएंगे, एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें भी लेके ले जाएंगे, और ये यूज एंड थ्रो होता है। तो ये और साथ में जा रहे हैं तो साथ में कुछ चाय नमकीन तो होना ही चाहिए। तो मैंने ऐसे बिस्किट पैक कर लिए हैं, और लोफी का फेवरेट भुजिया चका। और खाने में ऑब्वियसली मेन कोर्स भी हमने क्या किया, राइस एक डब्बे में पैक कर लिया, तो इजी रहेगा हमें कैरी करना है। तो ये हो गया हमारे छोटे आइटम्स। फिर वहाँ पे इंडक्शन है, तो हमने क्या किया है ना, ऐसे कुकर, एक इंडक्शन वाला पैन, एक स्पैचुला, फिर सिजर वगैरह हमने पैक कर लिया है। इसके अंदर हमने यूज एंड थ्रो जो प्लेट्स होती हैं वो रख लिया है, तो हमें ज़्यादा बर्तन धुलने नहीं पड़ेंगे। उसके हमने क्या किया है कि ऑब्वियसली कोविड का टाइम चल रहा है, हमें रिस्क नहीं लेना है, वहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे अपना एक ब्लैंकेट, लोकी का पिलो, फिर डायना का फेवरेट यहाँ पे रग, क्योंकि जिस डायना इस पर बैठती है वो सब पैक कर लिया है, आइस ट्रे, एक्स्ट्रा बॉटल्स, डायना के क्रीटोज, ऑब्वियसली डायना से बड़े जा नहीं सकती, और बाकी जो एमिनिटीज होती है डायना बहुत एक्साइटेड, डायना सोचिए कहाँ जा रहे हैं हम। तो टिश्यू पेपर्स हैं, ऑब्वियसली सैनिटाइजर मस्ट, हम 2 बॉटल लेके जा रहे हैं, पहले पूरा स्प्रे करेंगे, उसके बाद हम घर के अंदर एंटर करेंगे और यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रैश करना भी इंपॉर्टेंट है। हमने गार्बेज बैग लिया है जो कि ईजिली हम उसमें डिकम्पोज कर सकते हैं, चीज़ें रख सकते हैं, फेंक सकते हैं इसके अंदर, और चीज़ें वैसी। हमने यहाँ पे सोप लिया है बर्तन धुलने के लिए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हमने पैक की हैं, तो इससे क्या होता है ना, आप इजीली पैक कर सकते हैं चीज़ें। और डायना की एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं हो रही, डायना बोल रही मम्मा जल्दी चलो। और ये हमारे कपड़े, आपको लग रहा है इतना बड़ा बैग 3 रात के लिए, अरे हमारा वेकेशन, ये सालों के बाद एक वेकेशन तो नहीं बोल सकते, छोटा सा ट्रिप है, पर हम सोच रहे इसको स्पेशल बनाएं, और सारे कपड़े जितने भी मेरे फेवरेट हैं मैंने सब इसमें रख लिए, पता नहीं पहनूंगी पहनूंगी, पर फिर भी। तो चलिए ये यहाँ तक हो गया, और चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों हम लोग कार में बैठ चुके हैं, डायना ने भी अपना फ्रेश फ्रेश हो के खेल के पीछे बैठी हुई है एक्साइटमेंट में, और अब हम चल रहे हैं। बाहर का मौसम तो ओहो ज़बरदस्त हो रहा है, 3 दिन से बैंगलोर में बारिश हो रही है, और इतना अच्छा मौसम हो गया है कि आपको दिखाती हूँ मैं। लोग बहुत एक्साइटेड है, आर यू एक्साइटेड? इतनी एक्साइटमेंट तो हमें कहीं बाहर जाने की भी नहीं हुई थी, इंडिया के बाहर, जो एक्साइटमेंट इंडिया में रहके हो रही है अब, इसको बोलते हैं वी लव आवर कंट्री, यो आई लव माय इंडिया। यस, चलिए आपको बाहर दिखाती हूँ क्या नज़ारे हैं। सो ये देखिए बाहर का मौसम, कितने काले बादल लग चुके हैं, और कुछ ही देर में बारिश का अनुमान लगा रही हूँ मैं। बारिश ऑलरेडी शुरू हो गई। जी, बहुत अच्छा मौसम है। तो चलिए हमारे साथ इस रोड ट्रिप और हमारे सरप्राइज ट्रिप पे, लेट्स गो। तो दोस्तों ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है बाहर, इस
इतने दिनों के बाद हम लोग घर से बाहर निकले हैं और कहीं जा रहे हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ चाइना, इसके बाल, काश मेरे बाल भी ऐसे होते। हाईवे टच कर लिया है, ये जाता है एयरपोर्ट रोड, फिर आगे जाता है ये नंदी ब्रिज के साइड। और आपको जैसे मैंने बताया था कि बारिश होने वाली है और ये बारिश चालू होगी, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है अभी, अच्छा है समोसे वाला मौसम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं खा सकते। और ये चाइना का एक्साइटमेंट, चाइना का आखिर विंडो खोल के बैठना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे ऐसी बारिश हो रही थी विंडो बंद कर दिया था हमने, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। रात का मौसम जगह एकदम सनसेट, ब्यूटीफुल लाइट और डार्क कलर रोड, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्यों बोल, क्या लग रहा है आपको लोकी जी? ये देखो हीरा नंदानी ऐसे दिखा रहे जैसे शाहरुख खान खड़ा है। नहीं ऐसे दिखा रहे हैं, बॉम्बे का हीरा नंदानी, हमारे अच्छा। बैंगलोर में भी है। तो हमने ये हैदराबाद हाईवे पकड़ लिया है, बाकी जाता है नंदी हिल्स, फिर उसके आगे बाकी रीजन, उसके बाद पहुंचता है हैदराबाद। नागौर का मौसम कुछ दिनों से काफी अच्छा हो गया है, 3-4 दिन से, वरना गर्मी में तो बेहाल कर दिया था। बैंगलोर का मौसम हमेशा ही अच्छा रहता है, एक्सेप्ट 1 month, अराउंड अप्रैल मिड के आसपास, थोड़ा सा मार्च से लेकर के अप्रैल मिड तक खराब रहता है। हाँ 1 महीने के आसपास। और अब मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन अरे भुक्कड़ जब देखो भूख लगने लगती है। वेकेशन का मतलब क्या होता है? खाना और एंजॉय करना। One eternity later. ये था हमारा सरप्राइज। कैसे लग रहा है दोस्तों? शहर से दूर जंगलों के बीच में छोटा सा प्यारा सा कॉटेज। तो ये सरप्राइज स्पेशली आप लोगों को था कि आप कैसे कोविड टाइम्स में विद सोशल डिस्टेंस बाहर आ सकते हैं विद सेफ्टी मेजर्स।